रहमान रहीम बंदा ना चीज़ अस्कर सुल्तान माई चैनल इतमाद मैथमेटिक एक्सपर्ट। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। बच्चों हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 2.6 और इसका क्वेश्चन नंबर 3 करना है हमने स्मार्ट सिलेबस के साथ। बच्चों इसका जोज नंबर 4 y इज इक्वल टू साइन हैपरबोलिक। एच से मराद क्या बच्चों? हैपरबोलिक इनवर्स x का क्यूब। हमने इस फंक्शन का क्या लेना बच्चों? डेरिवेटिव लेना है। सबसे पहले हमें इसका फार्मूले का पता होना चाहिए। बच्चों ये फार्मूला आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार कर लेना है। साइन हैपरबोलिक इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 over 1 plus x square, फिर एंगल का डेरिवेटिव। एंगल क्या बच्चों हमारे पास? x। बच्चों साइन हैपरबोलिक इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 over 1 plus x square का अंडर रूट। बच्चों यहां पर प्लस आ जाएगा। बच्चों हैपरबोलिक के अंदर क्या आ जाएगा? यहां पर प्लस, फिर एंगल का डेरिवेटिव। बच्चों डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इस तरफ भी लगा देंगे d/dx और इस तरफ भी लगा देंगे d/dx। साइन हैपरबोलिक इनवर्स x के क्यूब का डेरिवेटिव। बच्चों साइन हैपरबोलिक का डेरिवेटिव क्या? 1 over 1 plus x square। बच्चों x क्या हमारे पास? ये वाला x square ऊपर जजर, फिर एंगल का डेरिवेटिव। एंगल क्या हमारे पास? एक्स की पावर क्यूब। बच्चों जो एंगल यहां पर है वही एंगल आपने यहां पर पुट करना है, वही एंगल का डेरिवेटिव। बच्चों साइन हैपरबोलिक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या हमारे पास? 1 over 1 plus angle square। बच्चों ये वाला जो सा एंगल का स्केयर, फिर इस एंगल का दोबारा डेरिवेटिव। इसी तरह बच्चों फार्मूले के अंदर अब हमारा एक्स, ये वाला एक्स था एंगल, तो एंगल की वैल्यू पुट कर दी, फिर इसी एंगल का डेरिवेटिव 1 over 1 plus 3 multiply 2, तो एक्स की पावर 6 आ गया। पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक कम। बच्चों बेस का लेंगे तो 1 नहीं आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ गया बच्चों यहाँ पर 1 over 1 plus x का क्यूब, एक्स की पावर 6, तो यहाँ पर आ गया 3x square। तो बच्चों हमारा फाइनल आंसर 3x square over 1 plus x की पावर 6। तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर? बच्चों ये 3x square को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे वाली वैल्यू इसी तरह। तो बच्चों ये था हमारा जोज नंबर 4 था इसके अंदर स्मार्ट सिलेबस के अंदर। इसी तरह बच्चों इसका जोज नंबर 5 y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग tan हैपरबोलिक x, tan हैपरबोलिक x का डेरिवेटिव। बच्चों सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इस तरफ भी लगा देंगे d/dx और इस तरफ भी लगा देंगे d/dx, नेचुरल लॉग tan हैपरबोलिक x। बच्चों लॉग का डेरिवेटिव क्या हमारे पास? लॉग का डेरिवेटिव 1 over base, फिर बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या हमारे पास? टैन हैपरबोलिक एक्स। बच्चों इस नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या है? 1 over base, फिर बेस का डेरिवेटिव। बच्चों टैन हैपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट हैपरबोलिक स्केयर एक्स। बच्चों एच के ऊपर स्केयर लिखना है, फिर एंगल का डेरिवेटिव। एंगल क्या बच्चों हमारे पास? एक्स। टैन हैपरबोलिक, टैन हैपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव क्या? सीकेंट हैपरबोलिक स्केयर एक्स, फिर एंगल का डेरिवेटिव। बच्चों इसी तरह बच्चों ये 1 over tan hyperbolic x, टैन का डेरिवेटिव सीकेंट हैपरबोलिक स्केयर एक्स, स्केयर एक्स। बच्चों इसी तरह हम टैन किसके बराबर है? बच्चों टैन होता हमारा साइन ओवर कोज के बराबर, साइन ओवर कोज के बराबर।
तो ये हमारे पास सीकेंड हैपरबोलिक स्केयर एक्स इसी तरह आ गया, इसी तरह आ गया। बच्चों ये फार्मूले आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार कर लेने हैं। तो ये साइन ओवर कोज है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, कोज ओवर साइन, कोज ओवर डी वाई ओवर डी एक्स आ गया। बच्चों ये साइन ओवर कोज है, जब इसको ये डिवाइड के अंदर है, जब इसको मल्टीप्लाई के अंदर लेके जाएंगे रकम को क्या करेंगे, उल्टा देंगे। कोज हैपरबोलिक एक्स ऊपर चला जाएगा, साइन हैपरबोलिक एक्स नीचे आ जाएगा। तो सीकेंट हैपरबोलिक स्केयर किसके बराबर है, वन ओवर कोज हैपरबोलिक स्केयर एक्स के। सीकेंट हैपरबोलिक स्केयर एक्स किसके बराबर है, वन ओवर कोज हैपरबोलिक स्केयर एक्स। बच्चों ए कोज इसके साथ कैंसल, तो हमारे पास आ जाएगा वन ओवर साइन हैपरबोलिक एक्स, वन ओवर कोज हैपरबोलिक एक्स। वन ओवर साइन किसके बराबर है बच्चों, कोसिकेंट के, किसके बराबर आ गया, कोसिकेंट हैपरबोलिक। वन ओवर कोज सीकेंट हैपरबोलिक एक्स के बराबर है। बच्चों ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर। बच्चों ये हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली 2.6। बच्चों ये 2.6 एक्सरसाइज के अंदर हमने इसकी जो भी एग्जांपल थी वो भी हमने की है, और इसके अलावा हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये तीन ही क्वेश्चन थे इसके अंदर, इसके मुख्तलिफ जोज थे जो कि हमने प्रॉपर तरीके से इनके लेक्चर बनाए हैं, तो और इसके अपलोड भी कर दिए हैं यूट्यूब के ऊपर। अगर कुछ स्टूडेंट चाहते हैं या उन्हें ढूंढने में कोई दिक्कत है तो बच्चों ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, ज़रूर रब्ता करें, और दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।